राजस्थान में विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आयोजन 13 से 16 फरवरी तक किया जाएगा। इन चार दिनों में जैसलमेर में कई कल्चरल इवेंट के साथ सेलिब्रिटी नाइट का भी आयोजन होगा। इसमें बॉलीवुड से किसी नामी चेहरे को बुलाया जाता है। इस बार का नाम अभी तय नहीं हुआ है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने डेजर्ट फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में कोरोना काल में इस बार डेजर्ट फेस्टिवल थीम को उम्मीदों की नई उड़ान नाम दिया गया है। लंबे समय से कोरोना के कारण कई इवेंट कैंसिल हो चुके हैं। इस बार यह आयोजन पूरी ऊर्जा के साथ मनाने का निर्णय किया गया है, इसलिए ये थीम दी गई है। कोरोना डेजर्ट फेस्टिवल के आयोजन में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ ही साथ होटल बिजनेस वालों ने भी फेस्टिवल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मरुश्री, मिस मूमल, मुच प्रतियोगिता, साफा बांध, मूमल महिंद्रा, ऊंट श्रृंगार तथा शान ए मरुधारा आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस बार विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आयोजन 13 फरवरी से 16 फरवरी तक पोखरण, खोड़ी, सम और जैसलमेर के विभिन्न स्थानों पर किया जाना प्रस्तावित है। और इस बार के मरु महोत्सव की थीम जो है वो विशेष चुनी गई है। इस बार का मरु महोत्सव उम्मीदों की नई उड़ान की थीम से आयोजित करवाया जा रहा है। इस थीम को चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कोरोना से बुरी तरीके से प्रभावित टूरिज्म इंडस्ट्री में एक नई उम्मीद का संचार हो सके और यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री की उम्मीदों को नई उड़ान मिले, नए पंख मिले और जो पर्यटन का विस्तार यहाँ पर 2020 में कोरोना से पहले हो रहा था, जो ग्रोथ रेट हमें उन सालों में 2000 से 2020 के सालों में मिल रही थी, उस ग्रोथ रेट से दुगनी ग्रोथ रेट हम आगे के 5 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर्यटन सहायक निर्देशक कृष्ण कुमार पुनिया ने बताया कि उम्मीदों की नई उड़ान थीम पर इस बार 4 दिन के लिए मरु महोत्सव का आयोजन होगा। मेले के पहले दिन पोकरण और फूहड़ी गांव में कार्यक्रम होंगे तथा समापन समय रेतीले टीले पर किया जाएगा।